तो फीफा वर्ल्ड कप राउंड ऑफ 16 के मैचेस खत्म हो चुके हैं, अब खेला जाना है क्वार्टर फाइनल। तो कौन सी वो 8 टीमें हैं जो क्वार्टर फाइनल में एंटर की हैं, बात करेंगे हम इस वीडियो में। हेलो गाइस, मेरा नाम है आदित्य कुमार और आप देख रहे हैं NDTV स्पोर्ट्स। तो टोटल 16 टीमें थी राउंड ऑफ 16, जो कि कहा जाता है जिसे प्री क्वार्टर फाइनल भी आप कह सकते हैं। उसमें 16 टीमों ने हिस्सा लिया था और टोटल वहां से अब 8 टीमें क्वार्टर फाइनल में एंटर कर चुकी हैं। तो 9 दिसंबर से चालू हो रहा है क्वार्टर फाइनल, 9 दिसंबर को 2 मैचेस खेले जाने हैं क्वार्टर फाइनल के, और वहीं बात करें अगले दिन 10 दिसंबर को, तो बचे हुए 2 क्वार्टर फाइनल के मैचेस उस दिन खेले जाने हैं। पहले मुकाबले की अगर बात करें क्वार्टर फाइनल की, तो रात को 8:30 बजे खेला जाएगा 9 दिसंबर को ये मुकाबला, और इसमें खेलेगी ब्राजील क्रोएशिया के अगेंस्ट। थोड़ा सा मैं आपको पीछे का बता दूं, ब्राजील ने अपने राउंड 16 मैच में हराया था साउथ कोरिया को और 4-1 रहा था वो स्कोर लाइन, एक तरफा मैच खेला था ब्राजील ने। पर अगर बात करें क्रोएशिया की, तो उनका मुकाबला हुआ था जापान के साथ राउंड ऑफ 16 में और बहुत ही टाइट मुकाबला रहा था वो मैच 1-1 से टाई था रेगुलेशन टाइम के बाद, और उसके बाद पेनल्टी शूट आउट में जाकर वहां पे हरा दिया था क्रोएशिया ने जापान को, और इस तरीके से क्रोएशिया पहुंची क्वार्टर फाइनल में। तो ब्राजील और क्रोएशिया ये 2 टीमें भिड़ेंगी क्वार्टर फाइनल, पहले क्वार्टर फाइनल में फीफा वर्ल्ड कप के। वहीं बात करें उसी दिन जो दूसरा क्वार्टर फाइनल खेला जाना है, इस क्वार्टर फाइनल में अर्जेंटीना और नीदरलैंड्स एक दूसरे के अगेंस्ट खेलेगी। ये मुकाबला उसी दिन रात को 12:30 बजे स्टार्ट होगा। अगर इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अकॉर्डिंग देखें तो ये मुकाबला रात को उस वक्त 10 तारीख हो जाएगा, बिकॉज ये रात को 9 के रात को 12:30 बजे होने जा रहा है। पर अगर आपको वो मैच देखना है तो आपको 9 तारीख को ही, अगर आप भारत में वो मैच देखना चाहते हैं तो आपको 9 तारीख को ही उस मैच को देखने के लिए जागे रहना पड़ेगा। और अर्जेंटीना के बारे में आपको बता दूं, अर्जेंटीना और नीदरलैंड्स ये जो 2 टीमें भिड़ेंगी एक दूसरे से, कैसे पहुंची ये क्वार्टर फाइनल तक, राउंड ऑफ 16 में कैसा रहा इनका परफॉर्मेंस। अर्जेंटीना ने ऑस्ट्रेलिया को हराया था 2-1 से, उस मुकाबले को जीता था अर्जेंटीना ने। वहीं पे बात करेगा नीदरलैंड्स की, तो नीदरलैंड्स ने एक तरफा खेला और 3-1 से हरा दिया था यूएसए को। तो ये 2 मैचेस होने हैं दिसंबर 9 में। वहीं बात करें दिसंबर 10 में बाकी 2 क्वार्टर फाइनल के मैचेस, तो पहला जो मुकाबला है वो होगा पोर्तुगल, और वो खेलेगी मोरक्को के अगेंस्ट। ये 8:30 बजे रात को ये मुकाबला चालू होगा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अकॉर्डिंग। और पोर्तुगल की बात करें तो इन्होंने स्विट्जरलैंड को हराया अपने राउंड ऑफ 16 गेम में, एक तरफा मुकाबला रहा ये और बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस रहा पोर्तुगल से। और वहीं पे बात करें उनकी जो अभी जो क्वार्टर फाइनल में टीम जो उनके अगेंस्ट खेलेगी वो टीम है मोरक्को। मोरक्को ने एक स्टनिंग विक्ट्री पाई स्पेन के अगेंस्ट, उन्होंने स्पेन को हराया राउंड ऑफ 16 में, और 0-0 से ये मुकाबला बराबरी में खत्म हुआ था रेगुलेशन टाइम के बाद, वहीं पेनल्टीज में जाके फिर मोरक्को ने स्पेन को हरा दिया। और क्वार्टर फाइनल का जो आखिरी मुकाबला होगा वो होगा 2 बहुत ही बड़ी टीमें इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में। अगर आप भारत में इस मैच को देख रहे हैं तो 10 तारीख को आपको जागे रहना पड़ेगा, रात को 12:30 बजे ये मुकाबला होने वाला है। अगेन सेम बात इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो रात को 10 ना होकर आप दिसंबर 11 तक चले जाएंगे जब तक ये मैच स्टार्ट होगा, क्योंकि आधी रात को मैच स्टार्ट हो रहा है। और दोनों टीमों के बारे थोड़ा आपको बता दूं, इंग्लैंड की बात करें तो इंग्लैंड ने भी शानदार परफॉर्मेंस किया अपने राउंड ऑफ 16 में और आसानी से अपने क्वालिफाई कर गई अपने क्वार्टर फाइनल के लिए। और वहीं पे बात करें इंग्लैंड के साथ जो फ्रांस है, फ्रांस ने पोलैंड को हराया था और पोलैंड के अगेंस्ट फ्रांस ने 3-1 पे जीत पाई थी। और वहीं बात करें अगर इंग्लैंड की, तो सेनेगल को उन्होंने हराया था 3-0 से, वो जीत प्राप्त की थी इंग्लैंड ने। तो ये है पूरा लेखा जोखा। और एक बार फिर से आपको मैं मैचेस बता दूं कि क्वार्टर फाइनल में कौन कौन से मैचेस हैं। दिसंबर 9 को कुल 2 मैचेस हैं। पहला मुकाबला जो कि खेला जाना है वो है ब्राजील और क्रोएशिया के बीच में। उसी दिन दूसरा मुकाबला भी है, वो खेला जाना है अर्जेंटीना और नीदरलैंड्स के बीच में। दिसंबर 10 को आ जाते हैं, यहां पे जो पहला मुकाबला खेला जाना है वो खेला जाना है यहां पे पोर्तुगल और मोरक्को के बीच में। और जो आखिरी क्वार्टर फाइनल का मुकाबला है ये मुकाबला होगा इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में। तो ये था क्वार्टर फाइनल का शेड्यूल, क्या हुआ राउंड ऑफ 16 में। और फिर हम मिलेंगे आपके साथ दोबारा इसी तरह के स्पोर्ट्स की वीडियो लेकर, फीफा वर्ल्ड कप से रिलेटेड न्यूज लेकर। स्पोर्ट्स से जुड़ी अन्य खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ NDTV स्पोर्ट्स में। धन्यवाद।